अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग साइंस प्रीमियर और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 150 प्लस फील्ड्स फॉर एफएससी मेडिकल स्टूडेंट्स एंड द यूनिवर्सिटीज व्हिच आर ऑफरिंग एडमिशंस इन दोज पर्टिकुलर फील्ड्स, देयर एडमिशन डेट्स एंड देयर फी स्ट्रक्चर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली करियर स्कोप, मतलब के फ्यूचर में आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं। सो स्टे विद अस। अगर आप परेशान हैं कि एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद आप किन फील्ड्स में जा सकते हैं या आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट मेडिकल फील्ड्स ऑफर करवा रही हैं, उनकी एडमिशन डेट्स क्या हैं और वहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर क्या है और प्लस आपका करियर क्या होगा, मतलब किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में जाने के बाद आप फ्यूचर में कौन सी जॉब्स कर सकते हैं, तो आप इन सारे सवालों के जवाब यहाँ पर एक सिंगल साइट पर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम डिस्कवर करते हैं कि वो कौन सी साइट है। सो सिंपली दैट साइट इज एडविजन। ओके, सो व्हाट टू डू, यू जस्ट हैव टू राइट www.edu.vision.edu.pk इन योर गूगल सर्च बार एंड एंटर। ओके, तो ये हमारे पास होम पेज आ जाता है एडमिशन का। यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट ऑप्शंस आपको नजर आएंगे, करियर प्लानिंग है, प्रोग्राम्स, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया हुआ है, एडमिशंस, बैचलर लेवल, मास्टर्स लेवल, हर लेवल के यहाँ पर एडमिशन की अपडेट्स होती हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग क्या है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के मेरिट कैलकुलेटर्स और काउंसलिंग, क्योंकि ये काउंसलिंग की सबसे बड़ी वेबसाइट है पाकिस्तान की, तो आप यहाँ से काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं और बहुत सारी वीडियोस और ब्लॉग्स भी देख सकते हैं और प्लस ये स्कॉलरशिप्स, डिफरेंट किस्म के स्कॉलरशिप्स आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से अवेलेबल हैं, डिफरेंट गाइड्स, एंट्री टेस्ट और पास पेपर्स, ये मुख्तलिफ किस्म का स्टफ है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, हम यहाँ पर क्या देखने जा रहे हैं, प्रोग्राम। ओके, सो आपने प्रोग्राम्स को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें से आपने किसको चूज करना है, मेडिकल प्रोग्राम्स, क्योंकि आप किसके स्टूडेंट हैं, एफएससी प्री मेडिकल के। यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन नजर आएगी। आपने यहाँ पर फील्ड ऑफ स्टडी चूज करना है जो कि मैंने ऑलरेडी चूज किया हुआ था, आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा सेलेक्ट टाइप। आपने यहाँ पर क्लिक करके मेडिकल साइंसेज को चूज करना है, उसके बाद आपने लेवल चूज करना है जो कि मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, आपको इस तरह से नजर आएगा सेलेक्ट लेवल। आपने यहाँ पर क्लिक करके एफएससी के बाद क्योंकि बैचलर लेवल होते हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ से सर्च को क्लिक कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने क्या आएगा, चलें देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 99 मेडिकल साइंसेज प्रोग्राम्स हैं टोटल पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में ऑफर करवाए जा रहे हैं। इनको हम देख लेते हैं, जैसे कि ये डेंटिस्ट्री हो गया, मेडिकल, मेडिसिन मतलब MBBS, नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इसी तरह से ये नीचे पूरी 99 मेडिकल कोर्सेज या मेडिकल फील्ड की आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। ठीक हो गया, तो आप आराम से इन सारे प्रोग्राम्स को देख सकते हैं और इसमें से आप देख सकते हैं कि आपने कौन सा चूज करना है। एटलीस्ट यू शुड नो ऑल द अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल द पॉसिबिलिटीज दैट यू कैन ऑप्ट। ओके, सो इसके अलावा यहाँ पर साथ में और क्या चीजें बताई गई हैं, अगर आप देखें तो हर प्रोग्राम के सामने ये तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यूनिवर्सिटीज, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो जितनी यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में डेंटिस्ट्री को ऑफर करवा रही होंगी, डेंटिस्ट्री का कोर्स करवा रही होंगी, उन सारी यूनिवर्सिटीज की आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। इसको हम वन बाय वन करके देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, एडमिशन, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो पाकिस्तान में टोटल जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जहां जहां पर एडमिशन ओपन है या जो जो भी एडमिशन अपडेट्स हैं वो आपको यहां से मिल जाएंगी। उसके बाद आ जाता है करियर स्कोप, यहाँ पर आपको क्या पता चलेगा कि आप डेंटिस्ट्री करने के बाद फ्यूचर में कौन सी जॉब्स कर सकते हो। तो चले हम इन तीनों को वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटीज को अगर क्लिक करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जी, तो 62 यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आर ऑफरिंग BDS डेंटिस्ट्री इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में टोटल 62 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि BDS करवा रही हैं
मतलब के बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी करवा रही हैं, और यहाँ पर ये पूरी उन इंस्टीट्यूट की लिस्ट दी गई है। जैसे आप यहाँ पर देखें तो फर्स्ट में क्या आ जाता है, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज, जो कि आगे उसका सिटी बताया हुआ है जामशेरों में है। डिग्री का ड्यूरेशन बताया हुआ है कि 4 ईयर्स में ये डिग्री कम्प्लीट होती है, प्लस उस यूनिवर्सिटी का फ़ी बताई हुई है कि 27,000 फ़ी है, और डेडलाइन भी यहाँ पर गिवन है। ये पुरानी डेडलाइन है, अभी न्यू यूनिवर्सिटी ने अपडेट नहीं की। जैसे ही यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन्स ओपन करेंगे तो वहाँ यहाँ पर अपडेट हो जाएगा और सारी की सारी आपको न्यू डेडलाइंस मिल जाएंगी। ठीक हो गया। इसी तरह से जनाब सिंध मेडिकल, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर, ये सारी की सारी आपको यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ये पेजेस हैं, फर्स्ट पेज पर 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप सेकेंड को क्लिक करोगे तो नेक्स्ट, और इसी तरह से थर्ड और फोर्थ के जरिए से आप पूरी 62 यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हो जो कि पाकिस्तान में डेंटिस्ट्री करवा रही हैं। ठीक है, तो यही की फीचर्स होते हैं जो कोई भी स्टूडेंट चाहता है एडमिशन लेने से पहले उसको पता हो कि वो यूनिवर्सिटी किस शहर में है, उसके डिग्री का ड्यूरेशन कितना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसकी फ़ी क्या है, और वहाँ एडमिशन की डेडलाइन क्या। तो आप सारी चीज़ें यहाँ एक ही साइट से एक ही पॉइंट पर देख सकते हो। प्लस यहाँ पर एक और बहुत मज़े का फीचर है, ये देखें, अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ सिटी लिखा हुआ है, आप सेलेक्ट करें सिटी। सपोज मैं यहाँ पर सेलेक्ट करने जा रही हूँ लाहौर, यहाँ अल्फाबेटिकल लिस्ट है तो बहुत आसानी से आप इसको सर्च कर सकते हो। ये मैंने सेलेक्ट किया लाहौर, और दोबारा से हम क्लिक करेंगे किसको, सर्च को। ओके, तो फिर क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आर ऑफरिंग बीडीएस डेंटिस्ट्री इन लाहौर, के लाहौर में टोटल 11 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बीडीएस ऑफर करवा रहे हैं। ये सारे उन इंस्टीट्यूट्स के नेम्स आ जाएंगे, आगे डिग्री का ड्यूरेशन बताया हुआ है, हर इंस्टीट्यूट की फीस बताई हुई है, और उनकी डेडलाइंस। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अभी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन नहीं है, अभी अपडेट्स नहीं है। जैसे यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन्स ओपन करेंगी, यहाँ सारा का सारा सिस्टम अपडेट हो जाएगा, यहाँ उनकी फ़ीस भी, आपको हर यूनिवर्सिटी की फ़ी भी लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक हो गया। तो इस तरह से अब आपके लिए कोई परेशानी नहीं है, आप देख सकते हो टोटल कितने कोर्सेज हैं, कितनी फील्ड्स हैं जिनमें आप जा सकते हो, और हर फील्ड में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी फ़ीस क्या है, उनका एडमिशन डेडलाइन क्या है, आप हर चीज़ यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप नीचे देखें तो ये आप देख सकते हो डेंटिस्ट्री एडमिशन, चले इस पर क्लिक करके देखते हैं क्या होगा। अब देखें, अगर आपने इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। जैसे जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, उसने अपने एडमिशन्स ओपन कर दिए हैं, और यहाँ डेडलाइन आप देख सकते हो क्या डेडलाइन है, 30/6/2020, तो 30th तक इसकी डेडलाइन है। उससे पहले पहले अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ आप देख सकते हो उन्होंने अभी अपने एडमिशन्स ओपन नहीं किए, इसलिए ये पुराने ही डेडलाइंस यहाँ पर हैं। तो ये भी अपने जैसे ही एडमिशन ओपन करेंगी तो ये सारे का सारा सिस्टम अपडेट हो जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया। तो ये तो हमने देखा कि यहाँ पर एडमिशन के बारे में हमें आराम से पता चल जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या है नेक्स्ट। यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या है, डेंटिस्ट्री करियर स्कोप, कि डेंटिस्ट्री करने के बाद, इस डिग्री के बाद आप कर क्या सकते हो। तो यहाँ पर कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन बताया गया है कि इस फील्ड में होता क्या है, ऑब्वियसली इट इज़ रिलेटेड टू आवर टीथ हेल्थ। उसके बाद नेचर ऑफ वर्क, किस तरह का आपको काम करना पड़ता है, डेंटिस्ट के जो डेंटिस्ट्री करते हैं उस प्रोफेशनल को हम क्या कहते हैं, डेंटिस्ट कहते हैं। इसी तरह से स्पेशलाइजेशन आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं, ये एजुकेशन, एडमिशन रिक्वायरमेंट, और यहाँ पर हम आते हैं जो हमारा फोकस है, दैट इज़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कि आप कहाँ कहाँ पर जॉब्स कर सकते हैं। तो देखते हैं, मोस्ट ऑफ द डेंटिस्ट रन देयर ऑन प्राइवेट क्लिनिक, कि अक्सर जो डेंटिस्ट हैं वो अपने क्लिनिक्स बनाते हैं, या वो एम्प्लॉयड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी डेंटिस्ट की जॉब्स होती हैं, आर्म्ड फोर्सेज, पाकिस्तान आर्मी में भी इनकी जॉब्स होती हैं, नर्सिंग होम्स में इनकी जॉब्स होती हैं, पोलिक क्लिनिक्स में जॉब्स होती हैं, इसके अलावा डिफरेंट रिसर्च और हेल्थ सेंटर्स में इनकी जॉब्स होती हैं, और मेडिकल कॉलेजेस में भी इनकी जॉब्स होती हैं। तो ये वो सारी फील्ड्स हैं जहां पर आप डेंटिस्ट्री करने के बाद जॉब्स कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कितने आराम से आपको पता चल गया कि करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है। उसके बाद आप यहाँ पर अगर देखें तो स्कॉलरशिप्स फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होंगे वो आपको सारे के सारे स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगे। आप वक्तन फवक्तन इस वेबसाइट को विजिट करते रहें तो आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा न्यू स्कॉलरशिप आया हुआ है। जैसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 3rd स्कॉलरशिप है, नेस्ट नर्सिंग स्कॉलरशिप है, ये डिफरेंट स्कॉलरशिप से आप इनको खोल के इनकी डिटेल्स देख के
आराम से इनमें अप्लाई कर सकते हो। मैरिट कैलकुलेटर्स पर अगर आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने मैरिट जो कैलकुलेट करने के अपना पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है वो यहाँ पर आपके पास लिस्ट आ जाएगी। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, सपोज आप कॉमसेट्स में अप्लाई करना चाहते हैं, आप कॉमसेट्स मैरिट कैलकुलेटर को क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पूरा क्राइटेरिया आ जाएगा कि किस तरह से उनका मैरिट कैलकुलेट होना है। आपने सिंपल यहाँ पर अपने मार्क्स एंटर करने हैं, आपने एसएससी के मार्क्स एंटर करेंगे और टोटल मार्क्स एंटर करेंगे, यहाँ पर आप अपने मैट्रिक के ऑब्टेन मार्क्स एंटर करेंगे और साथ ही आप टोटल मार्क्स एंटर करेंगे, एनटीएस टेस्ट में जो मार्क्स हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और फाइन कॉम्सेट डिसिप्लिन आप करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आपका मेरिट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। कोई इसमें भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो देखें आप कितनी आसानी से अपना मेरिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर हमने देखा कि किस तरह से हम आराम से फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन सी मेडिकल फील्ड्स हैं एफएससी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए और उनकी यूनिवर्सिटीज़, उनके एडमिशन डेट्स, उनकी फीस, हर चीज़ आप यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मेडिकल फील्ड के अलावा एफएससी मेडिकल स्टूडेंट्स वाले और क्या क्या कर सकते हैं, अगर आप प्रोग्राम्स में दोबारा से जाएँ तो आप यहाँ पर देखेंगे बायोलॉजिकल एंड लाइफ साइंसेज। तो जो एफएससी मेडिकल वाले बच्चे होते हैं वो बाद में बायोलॉजिकल एंड लाइफ साइंसेज में भी अप्लाई कर लेते हैं, कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर उनके लिए क्या क्या फील्ड्स, कितने ऑप्शंस हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो 27 बायोलॉजिकल एंड लाइफ साइंसेज प्रोग्राम्स ऑफर करवाए जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसमें हमारे पास ये क्या आ जाता है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, ये पूरी उनकी लिस्ट इसी तरह से आपको मिल जाएगी। कंप्लीट लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो और प्लस यहाँ पर अगर आप साइट पर देखें तो हाई रैंक प्रोग्राम्स लिखा हुआ है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इस फील्ड में कौन से प्रोग्राम्स हाई रैंक हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो बायोकेमिस्ट्री सबसे हाई रैंक पे, फिर सेकंड नंबर पे बायोटेक्नोलॉजी है, फिर बायोलॉजी, फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और अप्लाइड बायोलॉजी। तो ये सारी की सारी आपको पता चल जाएगा, आप अगर हाई रैंक प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। और बिल्कुल जैसे हमने देखा मेडिकल फील्ड का, इसी तरह से अगर आप बायोकेमिस्ट्री को क्लिक करेंगे इसमें यूनिवर्सिटीज़ को, तो यहाँ पर भी आप सारे की सारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज देख सकते हैं। ये देखें टोटल 54 यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आर ऑफरिंग बीएस बायोकेमिस्ट्री इन पाकिस्तान, और ये आप देख सकते हैं उन कॉलेजेस के नेम्स दिए हुए हैं, चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, सिटी कहाँ पर है, भावलपुर, 4 ईयर्स का प्रोग्राम है, फीस अभी अपडेट नहीं हुई, डेडलाइन पुरानी दी हुई है, तो जैसे ही एडमिशन्स ओपन करेंगे तो फी और डेडलाइन भी अपडेट हो जाएगी। तो इस तरह से ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट, उनके डिग्री का ड्यूरेशन, उनका फी स्ट्रक्चर और उनकी डेडलाइन आपको यहाँ पर मिल सकती है। और बिल्कुल जैसे हमने पहले देखा, आप यहाँ पर जाकर बायोकेमिस्ट्री के एडमिशन्स की अपडेट्स देख सकते हो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफर करवा रही है, उनकी डेट्स क्या हैं और बायोकेमिस्ट्री का करियर स्कोप क्या है, फ्यूचर में आपको क्या जॉब्स मिल सकती हैं बायोकेमिस्ट्री करने के बाद, वो आप देख सकते हो। स्कॉलरशिप्स इसके लिए क्या क्या आपको अवेलेबल हैं वो आप देख सकते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का मेरिट कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ एंट्री टेस्ट की अपडेट्स भी आप ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो दो फील्ड्स हमने अभी तक, दो मेजर ग्रुप्स या प्रोग्राम्स हमने डिस्कस किए जहाँ पर एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। पहला हमने डिस्कस किया था मेडिकल प्रोग्राम्स, सेकेंड हमने डिस्कस किया बायोलॉजिकल एंड लाइफ साइंसेज। इसके अलावा मेडिकल के स्टूडेंट्स कहाँ पर जा सकते हैं, इसके अलावा मेडिकल के स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। तो हम इसको क्लिक करके देखते हैं कि टोटल कितने ऑप्शंस या फील्ड्स हैं इनके पास एग्रीकल्चर में। तो अगर आप यहाँ पर देखें, आप देख सकते हैं टोटल 30 एग्रीकल्चरल साइंसेज प्रोग्राम्स कोर्सेज आर ऑफर्ड एट बैचलर लेवल इन पाकिस्तान। तो 30 ये हमारे पास हैं और इसमें अगर आप हाई रैंक को देखें तो हाई रैंक हमारे पास एग्रीकल्चर ही है, उसके बाद एग्रोनॉमी है, फूड टेक्नोलॉजी, सोइल साइंसेस, ये सारी रैंकिंग बताई हुई है, आप इसके हिसाब से भी अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये टोटल 30 जो हमारे पास फील्ड्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी और उनके साथ साथ आपको उन यूनिवर्सिटीज की भी लिस्ट मिल जाएगी जो कि उस कोर्स को ऑफर करवा रहे हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर आप एग्रीकल्चर को देखें
तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 31 यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं, दे आर ऑफरिंग बीएस ऑनर्स प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर, जिसमें फर्स्ट बताया हुआ इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर, सिटी भावलपुर है डेफिनेटली, और ड्यूरेशन कितना है 4 ईयर, फी स्ट्रक्चर कितना है 47,800 पर सेमेस्टर आपकी फ़ी होगी, और डेडलाइन यहाँ पर क्या बताई हुई है, ये पुरानी डेडलाइन है, अभी अपडेट नहीं हुआ, तो जैसे ही एडमिशन्स ओपन होंगे ये सारा सिस्टम दोबारा से अपडेट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि टोटल 30 एग्रीकल्चरल प्रोग्राम है जिनमें FSC मेडिकल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा और टोटल 27 बायोलॉजिकल एंड लाइफ साइंसेज प्रोग्राम्स हैं, तो 30 + 27 हमारे पास हो जाते हैं 57। और उसके बाद अगर हम देखें मेडिकल प्रोग्राम्स, तो मेडिकल प्रोग्राम्स में हमारे पास टोटल कितने प्रोग्राम्स आ जाते हैं 99, तो 57 + 99 हमारे पास ये हो जाते हैं 156 प्रोग्राम। तो FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स टोटल 156 डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए वो सारी डिटेल्स इस वेबसाइट से ले सकते हैं, सो कीप विजिटिंग दिस वेबसाइट। और इसके अलावा जो पाकिस्तान में टॉप फील्ड्स हैं FSC मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, उन पर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं। ओके जी, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस साइट को अपने फ़ोन पर सर्च करेंगे, क्योंकि फ़ोन पर इसका होम पेज थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आता है, इसी वजह से मैं आपको यहाँ फ़ोन पर भी सर्च करना सिखा रही हूँ। तो आपने क्या करना है, गूगल के सर्च बार में जाके दोबारा से टाइप करना है www.eduvision.edu.pk और सर्च पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपके सामने कुछ इस तरह से इसका होम पेज अपेयर होगा, जो कि आप देख सकते हो क्लियरली डिफरेंट है जैसा कि हमने लैपटॉप स्क्रीन पर देखा था। अब हमने यहाँ पर सर्च कैसे करना है, अगर आप टॉप पे देखो तो आपको सर्च बार नज़र आ रहा है जिसमें होम लिखा हुआ है, आप जब इस पर क्लिक करोगे तो ये सारे के सारे इसके जो ऑप्शंस हैं उनकी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें फर्स्ट आ जाता है होम, फिर करियर प्लानिंग, प्रोग्राम्स और इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि हमने प्रोग्राम्स को सेलेक्ट करना है, तो प्रोग्राम्स को सेलेक्ट करने पर आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आएगा। यहाँ पर आपने फील्ड ऑफ स्टडी सेलेक्ट करनी है, जो कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेडिकल साइंसेज, और फिर आपने नेक्स्ट लेवल सेलेक्ट करना है, लेवल हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, बैचलर। ये दोनों सेलेक्ट करने के बाद आप सर्च पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपके पास ये कुछ इस तरह से अपेयर हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो 99 मेडिकल साइंसेज प्रोग्राम्स जो कि पाकिस्तान में ऑफर किए जा रहे हैं, ये इन सब की कंप्लीट लिस्ट है, और बाकी सारे ऑप्शंस भी आपने इसी तरह से सर्च करने हैं जैसे मैंने आपको पहले सिखाए। सो गो एंड एक्सप्लोर ऑल बेस्ट पॉसिबल फील्ड फॉर योर सेल्फ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, बट डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।